मैं अपनी बातें शुरू करूं उससे पहले आपके हाथ में ये कार्ड होगा, ये बिल्कुल आप प्रत्याशी था, मुझे पता नहीं था। मैं चाहता हूं अपने 2022 बैच के लिए शानदार गिफ्ट के लिए जोरदार ताली बजाइए आपने। एवं ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती, डायट परिवार के समस्त प्रवक्तागण जिनका सुखद आशीर्वाद मुझे 2 साल मिला है, एवं यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं अपने बारे में बताऊं थोड़ा सा 2 लाइन के अंदर, उसके बाद एक छोटी सी कविता पढ़ूंगा। 2014 में ही एकेडमी खत्म हो गया था। 2014 सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा से मैंने अपना कक्षा 12 द्वादश वहां बोलते हैं उसको पूरा किया, और उसके बाद एनडीए की तैयारी करने चला गया। और पैसन था कि कंधे पे 2 स्टार होंगे, नाम के आगे कैप्टन लिखा होगा, लेकिन सुना हूँ भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। मुझे नहीं पता था कि प्रकृति मुझे यहाँ लेके आएगी, हालांकि वो देश सेवा का सर्वोत्तम मार्ग है, लेकिन अगर हम शिक्षक बन जाते हैं तो इससे बड़ा अवसर देश सेवा के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम भारत देश के भविष्य के लिए तैयार करेंगे। और मैं सर, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आपसे वादा करता हूँ अपनी उपलब्धियों से, अपने कार्यों से हमेशा आपको गौरव का महसूस कराऊंगा। थैंक यू सो मच। अब कुछ 4 लाइनें हैं, एक किताब है यार जादूगर, उसके लेखक है नीलोत्पल निराल, उनकी पंक्तियां हैं, उस पंक्तियों को पढ़ना चाहूंगा ताकि आप लोग भी उसको एंजॉय करें। और निवेदन है, किसी ने सुन रखा होगा तो आखिरी लाइन को साथ में दोहराइएगा कि स्कूलों की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के ये हमने बचपन में नहीं किया, हालांकि स्कूलों की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, चलती तीर को हंस के अपने दिल पे खाने वाले लड़के, उड़ती तीर भी खुद पर लेते, उड़ती तीर का मतलब समझते होंगे हमारे युवा पीढ़ी, कि उड़ती तीर भी खुद पर लेकर लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और बचपन में हम किताबें खरीदते थे, कितना शानदार लिखा है, बहुत ही आदर्श मानता हूँ उनकी किताबें पढ़ता हूँ, कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के, ये हम सबने किया है, कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के, खाके समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के, इस सुख से आप लोग 2022 में वंचित रह गया, एक भी बिल पेमेंट करने का मौका नहीं दिया आप लोगों ने, कि खाके समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के, और मेहनत के पथ पर मीलों साइकिल चलाने वाले लड़के, संघर्षों की ताप में तपकर तकदीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और एक और है कि बियर पचा के खुद को बहादुर, बियर पचा के खुद को बहादुर वीर बताने वाले लड़के, निकले सड़क पर गुमटी दफ्तर सील कराने वाले लड़के, ध्यान दीजिएगा बातों में वजन है, कि बियर पचा के खुद को बहादुर वीर बताने वाले लड़के, निकले सड़क पर गुमटी दफ्तर सील कराने वाले लड़के, एक फोन पे थाना ठेकेदारी डील कराने वाले लड़के, कुछ भी नहीं था फिर भी सिकंदर फील कराने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जब हम यहाँ से निकलेंगे, और पूरा विश्वास है कि हम सब शिक्षक बनेंगे भी, और चूंकि अगर नियति ने ये मार्ग हमें दिया है तो निश्चित रूप से उसका पूरा ईमानदारी पूर्वक निर्वहन भी करूंगा। और समाज में जैसे एक बहुत वायरल कविता थी बीच में, कि अगर 100-100 के नोट चाहिए चमचागिरी करो, ख्वाहिश 1000 की है तो दादागिरी करो, वोटों की राजनीति है सौदागिरी करो, और लाखों में खेलना है तो नेतागिरी करो। यानी कि ये बुराइयां व्याप्त हैं, और इस बुराई को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी और आपके ऊपर है, हमारे आपके ऊपर कंधों पर आने वाली है। और पुनः मैं 2022 बैच के समस्त प्रशिक्षकों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कराया है, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।